में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज के प्रायोजक हैं जीप मेरिडियन अनटेम्ड सोफिस्टिकेशन। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक का खास दिन है, इसलिए आपके लिए खास विषय और एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। दिमाग फिट तो सेहत हिट या जिंदगी हिट, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेल्थ ब्रेन हेल्थ डे है, और क्योंकि ब्रेन की हेल्थ यानी अपने दिमाग की हेल्थ की अगर हम अच्छी तरह से पूरी तरह से उसका पोषण करेंगे, उसे अच्छा रखेंगे, तो हमारी पूरी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि हम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपने सुने होंगे कि भाई इतनी एक्सरसाइज महीने में कीजिए, इतनी एक्सरसाइज हफ्ते में कीजिए, इतना ज़रूर चलिए, ये खाइए, वो पीजिए, लेकिन हम अपने दिमाग को लेकर बातचीत अक्सर काफ़ी कम करते हैं। या तो बात होती है कि हमें थोड़ा सा तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर हमें बात होती है कि किसी तरह की कोई बीमारी है, लेकिन इन जनरल हम बात नहीं करते अपने ब्रेन की या उसके स्वास्थ्य की। तो वर्ल्ड ब्रेन डे पर आज थोड़ा इसी पर फोकस करेंगे कि आखिर आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहता है तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। चलिए कुछ हाइलाइटर्स आपको बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है दिमाग की तरफ ध्यान देने की। कुछ आंकड़े हैं, कुछ आउटलाइंस हैं, दिमाग फिट लाइट हिट क्यों, क्योंकि बढ़ रही है ब्रेन की बीमारी। WHO अपने आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकालता है कि इन दिनों दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं। अब ये बीमारियां ऐसा नहीं है कि सीधे अल्जाइमर की आप बात करें, लेकिन आपको जो सिरदर्द होता है, आप माइग्रेन से परेशान होते हैं, आपको जनरल स्ट्रेस होता है, वो भी बीमारी का रूप है, आगे बढ़कर बीमारी का काम करता है। ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता काफ़ी कम है। जैसा मैंने कहा ना, अभी हम मॉर्निंग वॉक और जिम जाने की बातें करते हैं, लेकिन हम बहुत कम बात करते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखेंगे, उसकी क्या कोई एक्सरसाइज आप करते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ पर जागरूकता, जैसे हमने कहा, बेहद कम है, और साथ में कुछ और बातें यहाँ पर, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, ये भी आपके ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता है। आपके शरीर को तो करता है, आपके दिमाग को भी इम्पैक्ट करता है, और साथ ही जागरूकता से बीमारियाँ कम होंगी। जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो फिर आपको कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश आज यही है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और दरअसल हम दिमाग से जुड़ी समस्याओं को समस्या मानते ही नहीं है, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें दिमाग की संबंधी कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सह्याद्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूमरोलॉजी डॉक्टर नस्ली इच्छापुरिया, योगा एंड वेलनेस कोच सिद्धार्थ एस कुमार, और कल्टीवेटिंग हेल्थ की डायरेक्टर पूजा बंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नस्ली आपके साथ। WHO ने भी ये कंसर्न जताया है, और कोरोना ने खास तौर पर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा कि भाई आपकी मेंटल फिटनेस भी कुछ चीज़ होती है। फिजिकल फिटनेस की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन जो दिमाग है आपका, जो शायद सारी चीज़ों को चलाने वाला जो यंत्र है इस पूरे शरीर को, उसके स्वास्थ्य के बारे में बातें कम होती हैं। क्या ये बात सही है कि हम अपनी मेंटल या दिमाग की हेल्थ को इग्नोर करते हैं? हाँ, ये सच है कि मेंटल हेल्थ और दिमाग की हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ होता है वैसा ही, इट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दिमाग का हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अभी देख रहे हैं कि क्रिकेटर्स भी, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेन स्टोक्स डज नॉट वॉन्ट टू प्ले, सम अदर क्रिकेटर्स हैव टेकन मेंटल हेल्थ ब्रेक्स। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और WHO ने भी ये कहा है कि कॉमनेस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड इज डिप्रेशन, और ये 15% लोगों में होता है। दुनिया के 15% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। इट इज़ अ बीमारी लाइक एनी अदर बीमारी। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट
कि इसका ध्यान दे और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं, मेडिसिंस है, एंड मेनी पीपल हु सफर फ्रॉम डिप्रेशन कैन कम आउट ऑफ दिस बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये जिसे हम साइकोलॉजिकल साइड कह लें ब्रेन का, वो है। मैं जब आज इसके बारे में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा था वर्ल्ड ब्रेन डे पे, तो वहां पर चीजें मतलब आपका जनरल स्ट्रेस, उससे होने वाला सिर दर्द, उससे होने वाला माइग्रेन, वो तक उन्होंने इंक्लूड किया। तो क्या, क्योंकि ये सारे ब्रेन की फंक्शनिंग है जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालेंगे कि क्या ये सारी चीजें छोटी से छोटी से लेकर, आपने जैसे कहा कि लोगों को अल्जाइमर और यहां तक की भी प्रॉब्लम होती है या फिर डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, वो तो मुझे लगता है एक्सट्रीम केसेस हैं, लेकिन डे टू डे में भी आप जो ये चीजों को सफर करते हैं वो सब आपकी ब्रेन की हेल्थ ही है। सो ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा तो ही बॉडी का हेल्थ अच्छा हो सकता है। ब्रेन आपका कमजोर होगा, वीक होगा, तो यू कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली, आपका एफिशिएंसी कम होगा, आपका कंसंट्रेशन कम होगा, एंड द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विल आल्सो गो डाउन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन हेल्थ अच्छी तरह से रहे। यू कैन बिकम वाइजर, यू कैन वर्क बेटर, यू कैन बिकम रिचर, यू कैन मेक बेटर द डिसीशंस इन लाइफ, you can be a role model to other people only if your brain health is good. Right. If your brain health is poor, then all these things can suffer. And your productivity and longevity and enjoyment of life can also go down. Right. और ये आप जो भी महसूस करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम जो भी महसूस करते हैं होता है, वो सारा एहसास तो हमारे दिमाग के अंदर ही है, चाहे हम खुश हों, चाहे हम तनाव में हों, चाहे हम बीमार हों, वो सारी तो चीज़ें हम ब्रेन से ही महसूस करते हैं। सिद्धार्थ कुमार साहब, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है कि हाल के दिनों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है? ऐसा नहीं है कि हमेशा से किसी को तनाव नहीं रहता होगा आज, लेकिन अभी के वक्त में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहें एग्रीवेट हो गई है, ऐसा क्यों? विपिन जी, इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने जीवन को बाहर की दुनिया से हटा के फ़ोन पर कैद कर लिया है। अब पहले होता था कि हम एक बड़े परिवार में रहते थे, बड़े माहौल में रहते थे, लोगों से हम जुड़ पाते थे, लोगों से मिल पाते थे, तो हमारे मन का भी विकास होता था। हम सब अपने बचपन के दिनों में बाहर जाके खेला करते थे, लोगों से जुड़ा करते थे, तो वो विकास दिया करता था। आज के समय में, खासकर पिछले 2 साल में कोरोना का समय था, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, घर में कैद हो गए, और जब घर में कैद हो गए तो हमारा वो विकास भी नुकसान होता चला गया। जो विकास होना था वो विकास ना होकर वो नुकसान की तरफ बढ़ता चला गया। तो खुद को कैद करना, और जब हम इंसान कैद हो जाता है किसी चीजों में, तो उसके अच्छे की जगह हमें बुरे परिणाम मिलने लगते। तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसको बढ़ने की। दूसरी वजह थी कि आज के जीवन में हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो भी पीढ़ी है, किसी न किसी रूप में काम कर रही है, और काम में एक होड़ है दूसरों से आगे निकलने की, जिसको हम फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं छूट ना जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। अब ये आगे ना निकल देने की भी होड़ हमारे मानसिक सेहत का नुकसान कर रही है जी। तो ये नई बदलती लाइफस्टाइल, पूजा जी, क्या आप भी यही चीज मानेंगी कि क्या जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ गए हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, उसने बहुत हद तक हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको इंपैक्ट किया, और उसके लिए हम, जैसा मैंने कहा, कुछ करते तो है नहीं अलग से? जी बिल्कुल सही कहा। स्पेशली जैसे आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा सबका, अधिकतर सब लोगों का स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। right. हम जब ठीक से सोते नहीं हैं, हमारी अगर नींद का जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, गुड आवर्स ऑफ स्लीप है, वो जब हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नहीं मिलते, तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। आप दिन भर में अपने शरीर को तो अच्छे से आराम दे सकते हैं, पर ब्रेन को एक ही टाइम पर आराम मिलता है। स्लीप साइकिल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा कि लोग, जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, इस वजह से मैं इस बात पे ज़्यादा गौर फरमा रही हूँ कि जब लोग आजकल के टाइम पे इतना डाइट करते हैं, फैट फ्री डाइट, ये फ्री डाइट, सब कुछ फ्री डाइट होती है आजकल, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का कंट्रोल यूनिट है।
जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए सीपीयू होता है, तो आपका ब्रेन कंट्रोल यूनिट है. आपका हार्ट तक जब बीट करता है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. आप जब सांस लेते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. आप जो फील करते हो वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. पर हम इन सब के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमें डाइट करनी है, हमें पतले होना है, हमारे को रात को फ़ोन पे इंस्टाग्राम देखना है, हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो हम जिसकी वजह से ब्रेन हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं. बिल्कुल, बहुत सारा कुछ हमने खुद ही ऐसा कर लिया अपने आसपास जिससे हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है, हमारे मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा गया. चलिए, अब ये कारण तो हमने सोच लिए, समझ लिए, उसके इम्पैक्ट भी जाने, लेकिन इसको सुधारेंगे कैसे, मेन बात तो यही है. तो डॉक्टर नुसली, क्या मतलब अगर मैं डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो क्या चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए या जिससे हमारे ब्रेन को, या नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट होता है और हम नारा, या तो कहें ब्रेन का स्वास्थ्य खराब होता है या फिर उल्टा है कि हम उसका विकास नहीं कर पाते. ये जो बात कही मैडम ने वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज प्रॉपर स्लीप. और काफ़ी लोग हैं अभी जिनको पूरी 7-8 घंटे रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिलती. दे आर सीइंग टीवी, दे आर सीइंग द मोबाइल, दे आर सीइंग व्हाट्सएप फॉर मेनी आवर्स और रात को 2-3 बजे सोते हैं, दिन को 10 बजे उठते हैं. तो ये स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब हुआ है. और ये स्लीप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ब्रेन हेल्थ. एंड दिस आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज, स्लीप इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये डाइट के बारे में, डाइट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ऑल दीज फास्ट फूड्स, ऑल दीज कोल्ड ड्रिंक्स विच हैव हाई शुगर कंटेंट, एक्सेसिव अल्कोहल यूज, स्मोकिंग, all these are damaging the brain continuously. Oh. So bahut hi important hai ki aap fresh fruits aur vegetables roz khaiye aur color color ke fruit roz le liye lijiye aur ye fast foods aur junk food jo bolte hai aur cold drinks jo bolte hai aur smoking, taking drugs, all these are damaging the brain. And they are producing lot of irreversible damage to the brain. क्या बात है. तो डॉक्टर साहब, healthy eating, healthy sleeping. Neurologist जो हमारे शो पे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मतलब हम सब तो ये जानते हैं कि चलिए आप फास्ट फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे आप मोटे हो जाएंगे, आपके शरीर को नुकसान है, आपके दिल को नुकसान है, लेकिन फाइनली आपके दिमाग को भी, जो पूरा न्यूरो सिस्टम है दिमाग का, उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है. ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. शायद बहुत कम हम इस पर ध्यान देते हैं या कभी सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ इस गर्दन के नीचे वाले शरीर नहीं, मतलब जो टॉप मोस्ट ऊपर सिर का हिस्सा है वहां पे भी बहुत नुकसान हो रहा है इन्हीं चीजों से जिससे शरीर को हो रहा है. Exactly. तो चलिए अब इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करें. सिद्धार्थ साहब, क्या कर सकते हैं हम योग में, मेडिटेशन में, इन जनरल तो हम जानते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिससे आपके मस्तिष्क को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई ब्रेन की एक्सरसाइज हम यूजुअली करते नहीं हैं. ठीक बोला, ब्रेन की एक्सरसाइज हम नहीं करते. सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि बाकी सारे जरूरतों की तरह हमारे दिमाग को भी हमारे समय की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क को भी हमें ख्याल रखना है. जैसे फूल खिलने के लिए हमें उसकी संचरण करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, दिमाग का भी ख्याल रखना है. मेडिटेशन से जुड़ी हुई तीन चीजें. सबसे पहली चीज, हमें एक फिक्स डिसिप्लिन में करना है. आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, इससे मतलब नहीं है. मतलब यह है कि आप डेली एक फिक्स टाइम पर कर रहे हैं और उसको लगातार कर रहे हैं. अभी एक रिसर्च है, रिसर्च आई थी अभी पिछले कुछ दिनों, कि अगर किसी ने 2 महीने लगातार किया तो 3rd महीने से उसमें सुधार दिखने लगता है. दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब हम मेडिटेशन की कल्पना करते हैं हमें लगता है कि ये कोई जादू की छड़ी है जो सब पे काम कर जाएगी. मेडिटेशन कोई ऐसी छड़ी नहीं है जो सब पर काम करेगी. हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग होगा. आज के समय में अगर मैं बात करूं अपने अनुभव के आधार पे, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ रहा हूं जो
अपने साथियों को मेडिटेशन करते हुए देख के वो दुखी हो जा रहे हैं, यार हम तो नहीं कर पा रहे, वो तो कर रहा है। तो हर इंसान की जरूरतें अलग है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपने जरूरत के हिसाब से, अपने शारीरिक संरचना के हिसाब से, शरीर के तत्वों के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से, नाम के तत्वों के हिसाब से अपना मेडिटेशन चुने। और लास्ट में सबसे आसान मेडिटेशन है, उसको बोलते हैं फोकस्ड मेडिटेशन, जिसमें व्यक्ति अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे लगा ले। वो बिंदु आपकी सांसें भी हो सकती हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, जो सांस आप छोड़ रहे हैं। ये करना मुश्किल है तो आप ये अपने किसी फेवरेट गाने पे भी लगा सकते हैं, किसी मंत्र पे भी लगा सकते हैं, किसी ध्वनि पे भी लगा सकते हैं। और ब्रेन के विकास के लिए 528 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो ब्रेन का बहुत अच्छा विकास करता है, आप उसको सुनकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना मेडिटेशन अपने हिसाब से चूज करें, जो सिर्फ आपके लिए बनाया है और वही आप पे काम करेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें प्रमुख चीजें तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले थोड़ी अपनी नींद पे नींद की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कीजिए, वहीं ब्रेन को बहुत सारा आराम मिल जाता है। ये तमाम तरह की जो व्यसन है उसमें जंक फूड से लेकर अल्कोहल सिगरेट, ये तमाम चीज़ें जैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है उतना ही नुकसान वो ब्रेन की जो न्यूरो सिस्टम है उनको पहुंचाती है, उसकी कोशिकाओं को पहुंचाती है, डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। और फिर उसको सुधारने के लिए मेडिटेशन बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, छोटे छोटे टिप्स के साथ शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े समय के साथ शुरू कीजिए, शायद ये आपको धीरे धीरे फायदा देने लगेगा। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब दिमाग के लिए क्या बेहतरीन खाना है, डाइटिशियन है आज हमारे साथ पूजा जी, वो हमें बताएंगे कि कुछ खास ऐसी चीजें जो खाएंगे तो दिमाग को पोषित करेगी, और ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. हमारी दुनिया में सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, ये सच मेरे पीठ पीछे नहीं सामने कहा गया, ऐसी ईमानदारी सर आंखों पर जो अंदर के हुनर को भी पहचानती है और उसे तराश कर हीरा बना देती है, जिसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ जाती है, ऐसी खूबसूरत ईमानदारी को देखा जा सकता है आरके मार्बल की दुनिया में। आरके मार्बल, खूबसूरत ईमानदारी। रिसर्च एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है? क्रोमा पर एक्सपर्ट से पूछो। बैक टू स्कूल न्यू सीजन। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत से लेकर भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बीच अपनी जगह बनाने तक की इस यात्रा को बीओबी ने एक विजन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, कोर वैल्यूज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की देखरेख में किया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स एनहांसिंग टेक, एनरिचिंग लाइव्स, एम्पावरिंग इंडिया, इस समय पर सिर्फ CNBC आवाज पर। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटिंग वीटो फैंस, वीटो सिंस 1967। ई कॉमर्स के नाम से मिस्टर मुरली के पसीने छूट जाते हैं। इसका फायदा होता है इस मछली को, पर इनके बिजनेस को? डोंट वरी मिस्टर मुरली, विजिट ब्लूहोस्ट और वेबसाइट बिल्डर से इजीली अपनी वेबसाइट बनाएं। ये कॉल कीजिए, हम बना देंगे। ब्लूहोस्ट, वेबसाइट मेड इजी।
वेलकम बैक। आज बात हो रही है कि आपका दिमाग अगर फिट है तो लाइफ फिट रहेगी। वर्ल्ड ब्रेन डे पर यह चर्चा, तो कितना महत्वपूर्ण है आपका दिमाग, ये हमने ब्रेक से पहले जाना। क्या चीजें उसे नुकसान पहुंचा रही है, इस पर भी बात हुई, और कैसे अब इस नुकसान को आप थोड़ा बदल कर बेहतर कर सकते हैं, चर्चा चल रही है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पूजा जी, हमें बताइए कि क्या कुछ खास चीजें हैं अगर आप उनका सेवन करें तो डायरेक्टली उसका जो फायदा है वो आपके ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को मिलता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि लोग आजकल फैट फ्री डाइट बहुत करते हैं, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों को नहीं पता होगी कि जो हमारा ब्रेन है वो 60% तक फैट से बना हुआ है, जिसमें से आधा ओमेगा थ्रीज हैं सिर्फ। और ओमेगा थ्री जो है ये एक तरीके की चीज़ है जो हमारे को अपने खाने से मिलती है, एक तरीके के फैट्स हैं। तो जब अगर आप फैट फ्री डाइट लेंगे तो आपको ओमेगा थ्रीज भी नहीं मिल रहे, तो जो कि ओमेगा थ्री आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कर लेते हैं कि ओमेगा थ्रीज हमारे को मिलेंगे कैसे। हम सब ने बचपन से सुना है कि बादाम खाने से बुद्धि बहुत तेज़ होती है, तो तेज़ का तो नहीं पता, पर ब्रेन हेल्थ डेफिनेटली बेटर होता है जब हम आमंड्स खाते हैं, जब हम वॉलनट्स खाते हैं, और इन सब के साथ में जो आजकल सुपर फूड्स हैं, जो सीड्स हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अगर हम इन सब का जो है अपनी डाइट में उपयोग करते हैं तो हमारी डाइट जो है वो रिच हो जाती है इन ओमेगा थ्रीज, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज करता है, हमारे लर्निंग में, हमारी मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑन दी अदर साइड, अगर हमारी बॉडी में ओमेगा थ्रीज की कमी है तो हमारे को जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीजेज, ऐसे बीमारियां हमारे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओमेगा थ्री। सेकेंड नंबर पे जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उन सबको और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनकी एजिंग जो है वो स्लो हो जाती है और ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ मिलेंगे, सेम उन्हीं सीड्स में। जब आप बादाम खा रहे हो बस उसका छिलका मत उतारिएगा, क्योंकि उसके छिलके में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो डोंट मिस आउट ऑन योर एंटीऑक्सीडेंट्स जस्ट जब आप किसी चीज़ का पील निकाल कर खा रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वो भी कलरफुल, बिकॉज जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज हुए, टोमेटोज हुए, बीटरूट हुए, जिसमें एकदम डार्क कलर का आपको मिलेगा पिगमेंट, उसमें उस पिगमेंट जो होती है वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी ब्रेन में जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन ब्लड जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आपके दिमाग को फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे हम अपनी स्किन के लिए काम करते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाना, एंटी एजिंग जूस पीना, उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके ब्रेन के लिए एंटी एजिंग है, तो वो आपके ब्रेन सेल्स की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है। जी क्या बात है, तो बहुत ही विस्तार के साथ आपने बता दिया कि आपको अपने ब्रेन के लिए क्या लेना है और उसके पीछे के कारण क्या है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे कुछ सलाह लेना चाहेंगे, एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फॉर इन जनरल अपने ब्रेन की अच्छी हेल्थ के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और किस वक्त अगर उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नहीं, ये डाइट का जो मैडम ने बताया वो एकदम सही है। इनको ब्रेन फूड्स कहते हैं, सो दीज आर यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग ब्रेन फंक्शन। और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एंटायर लाइफ में नई नई चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, आप रिटायर भी हो गए, काम से रिटायर भी हो गए, तो गेट इन्वॉल्व विथ न्यू थिंग्स इन लाइफ, नई नई चीजों सीखो, नई नई चीजों करो, सोशल वर्क करो, बी गिविंग टू पीपल, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इफ यू प्ले एंड इफ यू लर्न इवन एट लेट एज ऑफ लाइफ, एट 60 और 70 और 80, इट हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शन। लिसनिंग टू म्यूजिक, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। दूसरी चीज है सोशल कॉन्टैक्ट, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स रखो, सोशल कॉन्टैक्ट रखो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योर ब्रेन इन गुड शेप एंड टू कीप द ब्रेन फंक्शनिंग एट द टॉप मोस्ट लेवल।
देयर इज नथिंग लाइक कि एज हो गई इसलिए उसका ब्रेन नहीं चल रहा है. ब्रेन नहीं चल रहा है यानी डिजीज है ब्रेन का. इवन अ 95 ईयर ओल्ड मैन शुड हैव नॉर्मल मेमोरी. मेमोरी उनका कम हो गया इवन एट द एज ऑफ 90. जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बात को जस्ट समअप कर रहा हूं कि आपको अपने दिमाग को काम पर लगाना पड़ेगा, उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए, नई नई चीजें सीखिए. जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 80 साल की उम्र में भी आप कोई नई भाषा सीखते हैं, कुछ नया वाद्य यंत्र बजाने जाते हैं, तो वो आपके दिमाग की एक्सरसाइज है. वो आपको एक पॉजिटिव जोन में लेकर जाएगा, वो आपको कुछ रोमांच लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और जिससे आपकी मेमोरी, जैसे उन्होंने कहा 95 साल के व्यक्ति की भी कोई कारण नहीं है कि मेमोरी डेड होनी चाहिए, लेकिन शायद आप वहां तक जाते जाते अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को खुद ही थोड़ा सा रोक लेते हैं. खाने में क्या करना है वो पूजा जी ने बता दिया और सिद्धार्थ जी ने हमें बता दिया कि आप कैसे मेडिटेशन में दिमाग के लिए कुछ जो एक्सरसाइज है अलग से वो कर सकते हैं आपकी रूटीन लाइफ से हटके भी, जिससे दिमाग को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलेगी. बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बातचीत करके, और इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी आज की बातचीत काफी काम की रहेगी. नमस्कार आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. के प्रायोजक हैं जीप मेरिडियन अनटेम्ड सोफिस्टिकेशन. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. The Meridian, where contrasts come together and sophistication runs wild. Presenting a Jeep SUV that gives you the best of both worlds. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. अगर रिटायरमेंट से पहले बच्चों को सेटल करना हो और दुनिया की सैर करनी हो तो आज ही SMC से बात करो. SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Padhta hai, khelta hai, jhoolta, uchhalta hai, daudta kabhi kabhi daud kar rehta hai. Aage aage badhta hai India, Amul doodh peeta hai India. Kuch pareshan lag rahe ho? Kya karun? यान का एक्सपोर्ट ऑर्डर तो मिल रहा है, पर रॉ मटेरियल्स के घटते बढ़ते दामों के कारण मेरा पड़ता नहीं बैठता है. तो एक्सचेंज में कॉटन बेल के दामों को हेज करो और डिलीवरी भी ले सकते हो. अच्छा. हाँ, कॉटन की स्टैंडर्डाइज क्वालिटी और क्वांटिटी की डिलीवरी भी मिलती है. क्या बात है, मैं अभी ऑर्डर बुक करता हूँ. एक आवाज जो कभी दबती नहीं. ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें. एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे. पिछले 2-3 महीनों में वो क्या प्रोवोकेशन है कि अचानक से इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग होने लगी. एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे. क्या राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है एजेंसियों का, या मामले में गंभीरता है और उसकी जाँच होने देना चाहिए. बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस. देखिए आवाज अड्डा. देखिए भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री लीडर्स की खास बातचीत. जानिए क्या है लॉजिस्टिकल चुनौतियां और उनसे निपटने के उपाय. सिर्फ टाटा मोटर्स प्रेजेंट्स ट्रकिंग इनटू द फ्यूचर. इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर. हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा. लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा. फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ. पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है.
बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएँ और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बनें।